हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडेसी टेक्निकल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन है सारे के सारे। और मैं आपको बताऊं तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा करके चलेंगे, क्योंकि अब 2017 के बाद जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसमें पेपर का लेवल बढ़ा करके पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस थोड़े से कठिन आपके आ रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे पांडे जी टेक्निकल के दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन से, तो ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन है पांडे जी टेक्निकल का। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर के आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। फटाफट दोस्तों आप सही उत्तर बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दे रखा है कि एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, तो वह दर्पण कौन सा होगा आपको बताना है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, और डी ऑप्शन है कि कोई भी आपका दर्पण हो सकता है। फटाफट आप कॉमेंट करके बताइए कि क्या इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाई वीडियो को लाइक वाइक भी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि शाम को प्रतिदिन आपकी क्लासेस चलती है पांडे जी टेक्निकल पे। आपको मैं बताऊं कि यहां पे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में, ठीक है, एक व्यक्ति अपने रखे सामने दर्पण में अगर अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वह जो दर्पण आपका होने वाला है, ये दर्पण आपका होने वाला है, ये अवतल दर्पण होगा, जो कि आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो आप लोगों का कॉनकेव मिरर होगा, ओके, जो आपका कॉनकेव मिरर होगा यही आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के कई क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें बताइएगा। और ये न्यूमेरिकल है आप लोगों का कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। ए ऑप्शन है कि फोकस दूरी 12.3 सेंटीमीटर होगी, बी ऑप्शन है आपके पास 11.3 सेंटीमीटर होगी, सी ऑप्शन है आपके पास कि 13.3 सेंटीमीटर होगी, और डी ऑप्शन है आपके पास कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप कमेंट करके हमें आंसर बता सकते हैं, फटाफट नीचे बताइए। इसका सही उत्तर कैसे होगा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आपका दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस में रहेगा, तो -40 सेंटीमीटर आपने रख लिया। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है, तो इसलिए जो भी की वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव में होगी। और इसकी वैल्यू कितनी है आप लोगों की, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है आप लोगों का ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, और आपसे पूछा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, एफ की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, दर्पण का आपका सूत्र मालूम है, उस सूत्र पे आपका जो है क्वेश्चन लग जाएगा। सूत्र आपका ये होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अगर आप इस पे लगाएंगे तो 1/ में v की वैल्यू 10 है आपके पास, माइनस में u की वैल्यू आपके पास 40 है, तो आपने यहाँ पे रख दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 40 एलसीएम हो जाएगा, 10 × 40 चार बार में चला जाएगा, 40 × 40 एक बार में जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा, 4 × 1 = 3/2 आपके पास 40 हो गया। यानी आप कह सकते हैं अगर 1/f की वैल्यू 3/40 हो गई, तो आपका जो फोकस दूरी की वैल्यू होगी वो 40/3 हो जाएगी। आप इसको काट देंगे तो आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि क्या सही उत्तर होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फटाफट बताइए कि क्या सही उत्तर होगा। 40/3 फोकस दूरी की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 13.3 सेंटीमीटर आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, और दर्पण के सूत्र पे आपके इस तरीके के आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 1/f = 1/v + 1/u, इस फॉर्मूले पे काफी अधिक आपके न्यूमेरिकल लग जाएंगे। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी के साथ अब बना लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए अब हमको ये बताना है कि किसी पिंड पर, ये न्यूमेरिकल है आप लोगों का, आवेग से न्यूमेरिकल आप लोगों का वैसे भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल है, किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाया जाता है तो बल का आवेग कितना हो जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आवेग कहने का मतलब ए ऑप्शन है 40 न्यूटन सेकंड आपका आवेग होगा, या 10 न्यूटन सेकंड आवेग होगा, या 20 न्यूटन सेकंड आवेग होगा, या 15 न्यूटन सेकंड आपका आवेग होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपका आवेग हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आप हमें कमेंट सेक्शन में आवेग बता सकते हैं। आवेग का सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अगर आवेग का फॉर्मूला मालूम है तब जाकर के आप इस न्यूमेरिकल को लगाएंगे। और अच्छे न्यूमेरिकल, अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के अब 2017 के बाद पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। पहले क्या पूछा जाता था, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मार के चले जाते थे, लेकिन 2017 के बाद से अब जो भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आ रहा है उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं वो अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसको लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बल कितना है आपके पास, किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, कितने देर के लिए लग रहा है, 0.4 सेकंड के लिए लग रहा है, यानी एफ की जो वैल्यू है वो आप लोगों की दे दी गई है 100 न्यूटन, ठीक है, आपने लिख लिया। समय आपके पास दे दिया गया है 0.4 सेकंड, ठीक है, और आपका आवेग आपसे पूछ रहा है कि आवेग आपका क्या होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आवेग का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आवेग का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आवेग इज इक्वल टू, आपके पास निकल के आता है बल गुणे में समय, ठीक है। बल कितना है आपके पास, 100 न्यूटन का बल है, 100 यहाँ पे आपने रख लिया, समय आपके पास कितना है, 0.4 सेकंड है, 0.4 आपने ये रख लिया, ठीक है। इसको अगर आपने हटाया यहाँ से तो एक यहाँ पे 10 दहा में 100 10 बार में कट गया, 10 चौका 40 हो गया, आवेग आपके पास जो निकल के आ जाएगा वो आपके पास 40 निकल के आ जाएगा। सही उत्तर की देखिए इसमें से कौन से ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है। इसी तरीके से आपको अपने जब भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देंगे तो आपको इस तरीके से मैच कराना है। मैच कराए तो आपको मालूम चला कि हमारे पास ऑप्शन ए ही बच गया, जो कि बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं और अपनी तैयारी भी बेहतरीन करनी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस लगभग आपके पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का बताइएगा फटाफट आंसर क्या होगा। यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनता है एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि कई बार पूछा गया है, उसको भी मैं ऐड ऑन करके बता दूंगा, अभी मैं बता दूंगा कैसे पूछा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को बताइए कि एक पिंड का संवेग जो है एक मिनट में 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो पिंड पर आरोपित बल है, पिंड पर आरोपित बल कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। संवेग कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा पी है, तो सबसे पहले संवेग P1 कितना है आप लोगों का, तो ये P1 है 200 किलोग्राम, यहाँ पे ये P2 है, डेल्टा P इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा पहले P2 माइनस P1। आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले ये आपका हो जाएगा 800 में से अगर आप 200 घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास पहले 600 जो आएगा वो आप लोगों का डेल्टा P की वैल्यू आएगी, जो कि आप लोगों के पास 600 और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है, डेल्टा पी की वैल्यू है। पूछा क्या जा रहा है, टाइमिंग कितना दिया हुआ है एक मिनट में, ठीक है, तो आपका डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो 60 सेकंड आपके पास दिया गया है, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। मिनट को आपको सेकंड में बदल लेना है। अब आपसे पूछा जा रहा है आरोपित बल कितना होगा, आपको बताना है डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी होगी या फिर एफ की वैल्यू कितनी होगी, आपको सिंपल ये बताना है। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे और कैसे बताएंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। कमेंट सेक्शन में आपको नीचे बताना है कि किस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चंस का आसानी के साथ आंसर्स दे सकते हैं। एफ की वैल्यू जो होगी आप लोगों की, ये डेल्टा पी बाई टी की बराबर हो जाएगी, यही फॉर्मूला आप लोगों का होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। P की वैल्यू यानी कि संवेग की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों की, यहाँ से 600 दी हुई है तो यहाँ से आपने 600 रख लिया। T
टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 60 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे आपने 60 रख लिया, काट दिया इसको, तो ये 10 बार में आप लोगों का कट गया, 10 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी का यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका न्यूमेरिकल चलता रहेगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनते रहेंगे, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आगे बनाना भी है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट इस क्वेश्चन का। तो सभी लोग भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग जो है इसका आंसर जरूर दे देंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आपको बताना है क्या क्वेश्चन है कि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौट कर पृथ्वी पर आता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहां होगी। ठीक है, आपकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है ये सवाल आपका पोटेंशियल एनर्जी का है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी जा रही है कि मैक्सिमम आप लोगों की कहां होगी, और आपको यही बताना है। ठीक है, यानी कि आपका पी मैक्स आप लोगों का कहां होगा बताना है। क्या कंडीशन है ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि कोई पत्थर है, ठीक है, और ये लड़का, ठीक है, यहां से पत्थर को फेंका, तो पत्थर आप लोगों की भी वेलोसिटी से जा रही है, फिर पत्थर कुछ दूर के बाद नीचे अपने पुनः आ जाएगी गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करते हुए। ठीक है, अधिकतम कब होगी इसकी स्थिति ऊर्जा, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बताइए। किसी भी पिंड को अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, चाहे किसी भी पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि जब यह लौट कर पृथ्वी पर आएगी तो इसकी जो अधिकतम ऊर्जा होगी वो आप लोगों की मैक्सिमम हाइट पर होगी, यानी अधिकतम हाइट जितना वो ट्रेवल करेगा उस अधिकतम हाइट पर जितनी इसकी ऊर्जा होगी वही इसकी मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिएगा फटाफट सब लोग। एक लड़का है जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, ठीक है, इसके अलावा ये कहा जा रहा है एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर के सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर की ऊंची छत पर एक मिनट में चढ़ जाता है, तो लड़के की सामर्थ्य कितनी होगी आपको बतानी है। क्या लड़के की सामर्थ्य 98 वाट होगी, या 78 वाट होगी, या आपका 88 वाट होगी, या 48 वाट होगी, फटाफट आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फटाफट बताइए दोस्तों क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, M आपका 50 किलोग्राम है, और अपने साथ ये 10 किलोग्राम का बक्सा लेकर के और चढ़ भी रहा है, टोटल आप लोगों का 60 किलोग्राम आपका द्रव्यमान हो गया। ठीक है, चलिए और क्या दिया है, 10 मीटर ऊंची छत पर, हाइट भी आप लोगों के पास दे दी है, ये दे दिया गया है 10 मीटर। ठीक है, इसके अलावा एक मिनट में चढ़ जाता है, यानी टाइमिंग भी दे दी गई है, टाइमिंग कितनी दे दी गई है आपकी 60 सेकंड। ओके, एक मिनट, ये आपका 10 मीटर हो गया, ये आपका 60 सेकंड हो गया। पूछा क्या जा रहा है, लड़के की सामर्थ्य कितनी है, पी कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा तो इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा ना तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने में आपको जरा सा भी देर नहीं लगेगा, और एंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके के लेवल वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, पहले ऐसा होता था ना कि जब भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आता था तो जो पढ़ाने वाले टीचर रहते थे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते थे, स्टूडेंट्स भी जल्दी सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि कुछ लेवल नहीं रहता था, ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके नहीं पूछे जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें आपके अपोजिट हो चुकी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले पे सारी चीज़ें लगेंगी। W इज इक्वल टू आपके पास एम जी एच बाई टी से आप लोगों का लग जाएगा। M कितना है आपका, 60 है। G की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 9.8 आपके पास हो जाएगी, और हाइट आपके पास जो है 10 मीटर आपके पास ऑलरेडी दे दी गई है, टाइमिंग आपके पास 60 सेकंड दे दी गई है। अगर आप इसको काटेंगे तो 60 से 60 आपका कट जाएगा, 9.8 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 वाट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में रहेगा। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को बनाने में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हुई? ठीक है, नहीं हुई ना इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने में प्रॉब्लम? तो अगर आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते रहेंगे और हमेशा से ही पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आपका अब आने वाला है। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अब आने वाला है और इसकी तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं अब, तो इसलिए हमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करना है। जैसे दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फारेनहाइट का अंतर है तो सेल्सियस पैमाने में यह अंतर कितना होगा आपको बताना है। फारेनहाइट पैमाने में अंतर डेल्टा एफ की वैल्यू आपके पास दे दिया गया 45 डिग्री फारेनहाइट। डेल्टा सी में यह अंतर कितना होगा आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है, फटाफट बताइए। क्या यह अंतर आपका 45 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा, या अंतर आपका 25 डिग्री सेल्सियस आएगा, या अंतर आपका 7.2 डिग्री सेल्सियस आएगा, या किसी भी प्रकार का अंतर आपका नहीं है, यानी शून्य आपका अंतर निकल के आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। आपके पास रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है, सेल्सियस और फारेनहाइट में आप लोगों का रिलेशन ये होता है कि डेल्टा सी बाई 5 इज इक्वल टू आपके पास निकल के आता है डेल्टा एफ बाई 9। ठीक है, ये अगर रिलेशन आपको याद है तब जाकर के आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और सेल्सियस और फारेनहाइट में अगर नॉर्मल टेम्परेचर दिया होता है तो सी बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन में 9, इस तरीके से इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आप लोगों के लगते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का इम्प्लाइज करेगा, यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आपकी इम्प्लाइज करेगी, डेल्टा सी बाई 5 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 45 है, बटे में आपका 9 है। ठीक है, तो काट दीजिएगा इसको, 9 × 5 = 45, 5 बार में आपका कट गया, डेल्टा सी की वैल्यू जो हो जाएगी आप लोगों के पास 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मिलाइए कौन सा सही उत्तर आ जाएगा आपका, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको भी लगातार बनाने हैं, और क्वेश्चंस अगर आप भी बनाएंगे फिर मजा आएगा आपको भी क्वेश्चंस करने में। तो फिर आप कहिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। ठीक है, इसको 200 के जगह पे अगर आप 250 कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि एक स्वरित्र की आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दे दिया गया है 250 कंपन प्रति सेकंड है, तो स्वरित्र से उत्पन्न तरंग का आवर्तकाल कितना होगा आपको फटाफट बताना है, टी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्या रिलेशन होता है आपको सबसे पहले आवृत्ति और आवर्तकाल में आपको मालूम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अगर मालूम नहीं रहेगा अंत मतलब क्या रिलेशन होता है तो आप नहीं लगा पाएंगे, वैसे आसान रिलेशनशिप होता है तो इसलिए मुझे उम्मीद है आपको मालूम भी होगा। ठीक है, क्या होता है रिलेशन आपका, आवृत्ति इज इक्वल टू, यहां से आपका निकल के आता है, आवृत्ति इज इक्वल टू आपके पास निकल के आता है 1/2 आवर्तकाल। ठीक है, यह रिलेशन आपका होता है, तो आवर्तकाल पूछा गया है तो 1/2 आवृत्ति कर देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या इसका सही उत्तर होगा।
क्या निकालना है आपको, आवर्तकाल निकालना है। तो यहां से आपके पास जो रिलेशन हुआ वो क्या हो गया, n इज इक्वल टू आपके पास 1 बाई टी हो गया। ये इंप्लाइज किया कि t इज इक्वल टू 1 बाई n हो जाएगा, जो कि आप लोगों का 1 बटे में आपका 250 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप 0.04 आपका आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, 250 में 1 से आप भाग देंगे, ठीक है, जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ पे होगा, फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 250 चार बार में आप लोगों का कट जाएगा, यहाँ पे जीरो बढ़ा के 1000, 0.04। क्या सही उत्तर होगा इस तरीके से बताइए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए, लैम्डा की वैल्यू पूछा गया है, तरंग दैर्ध्य पूछा गया है, तरंग दैर्ध्य को आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन कर रही है तथा ध्वनि का वेग आपका 330 मीटर प्रति सेकंड है, स्पीड ऑफ साउंड आपके पास दे रखा है, तो वेवलेंथ आप लोगों का कितना होगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है वेवलेंथ आपका कितना होगा। लेमडा इज इक्वल टू वी बाई एन आपके पास निकल के आता है सूत्र। लेमडा क्या है आपका, वेवलेंथ है, ठीक है, एन आपका क्या है, 55 कंपन कर रही है, आवृत्ति है, और ध्वनि का वेग आप लोगों का 330 मीटर पर सेकंड है, तो तरंग दैर्ध्य आप यहां से निकाल लेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगर आप लेमडा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो वी की वैल्यू आप डायरेक्ट रखेंगे अगर यहां पे, तो आपका ये 330 हो जाएगा, बटे में एन आप लोगों का हो जाएगा 55। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ओके। बताइए लेमडा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर, जो भी है आपका, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सरल लोलक में आप लोगों का विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा जिसको हम काइनेटिक एनर्जी के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है आपके 1/2 mv² के बराबर होती है, ठीक है। अगर एन द्रव्यमान की कोई पिंड है जो कि वी वेग से अगर आप लोगों की गति कर रही है, तो के ई इज इक्वल टू आपके पास 1/2 mv² निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। और कभी कभी आप लोगों का जो सिंपल पेंडुलम है, जो सरल लोलक है, उसके आवर्तकाल का भी सूत्र पूछ लेता है, तो आप इसको बनाते हैं टी इज इक्वल टू 2π√L/g। यहां से आप ये भी बना सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि सरल लोलक में जब विस्थापन आपके आयाम के बराबर है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी आपसे पूछी जा रही है। याद रखिएगा गतिज ऊर्जा शून्य होती है जब आप लोग का विस्थापन आपके आयाम के बराबर होता है किसी भी सरल लोलक में, ठीक है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ताप जो फारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने में बराबर होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन है शुद्ध जल का क्वथनांक, बी ऑप्शन है 37.5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान का फारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल आपस में बराबर होता है, सी ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस पर, और डी ऑप्शन है आपके पास -40 डिग्री सेल्सियस पर। क्या सही उत्तर होगा आपको बताना है। सबसे पहले जो मैंने चीजें बताई हैं अगर आपको वो मालूम है तभी जाकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, या फिर तापमान से रिलेटेड आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि तापमान रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है। आप मान लीजिए कि माना एक्स डिग्री सेल्सियस पर आप लोगों का फारेनहाइट और सेल्सियस बराबर है, तो यहां पे X/5 इज इक्वल टू X-32/9। अगर आप इसको सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते होंगे, कक्षा 10 के विद्यार्थी होंगे, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। X/5 इज इक्वल टू X-32/9, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यहां से X की वैल्यू जो भी निकालेंगे वही आपका सही उत्तर आ जाएगा।
एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड भी आपको बनानी पड़ेगी, इसलिए कुछ चीजों को मैं आपके भरोसे छोड़ दूंगा जो कि आप उसका सही उत्तर लगाओगे, सही उत्तर उसका दोगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी वैल्यू लिख भी लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं -40 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है, ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान का सी एंड एफ की वैल्यू आपके बराबर होती है, यानी फारेनहाइट स्केल और टेम्परेचर का सेल्सियस स्केल आपका आपस में बराबर होता है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, आपको देखना बताइए, यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दोगुनी कर दें तो उसका आयतन प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा? लंबाई दोगुनी करने पे आयतन प्रसार गुणांक आधा हो जाएगा, या दोगुना हो जाएगा, या चार गुना हो जाएगा, या आपका उतना ही रहेगा? किसके बारे में पूछा गया है? आयतन प्रसार गुणांक के बराबर में पूछा गया है, ठीक है। लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आयतन प्रसार गुणांक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉमेंट सेक्शन में आप बताइए। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी धातु की छड़ हो, ठीक है, अगर किसी भी धातु की छड़ हो उसकी लंबाई चाहे आप दोगुनी बढ़ा दीजिए या तीन गुनी बढ़ा दीजिए या फिर आप लंबाई को कितनी भी बढ़ा दीजिए, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि जो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा वो बिल्कुल कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। आयतन प्रसार गुणांक पे आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आप लोगों का है जो कि आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा, आपको बताना है। कार्य आपका 400 जूल होगा, 200 जूल होगा, 600 जूल होगा या 700 जूल कार्य होगा, आपको बताना है। कैसे करना है? मान लीजिए कि कोई पिंड है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने धक्का दिया, यानी कि आप अगर आपने उस पर बल लगाया तो बल की जो वैल्यू हुई आप लोगों की वो 40 न्यूटन निकल के आई है, ठीक है। आपने एक चीज यहां से नोट कर लिया पहले, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने बल लगाया तो वह जो है 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे आपका वो थोड़ा सा घसक करके, कितना घसका आपका 20 मीटर और विस्थापित हो गया, तो आपको बताना है कि बल द्वारा कृत कार्य की वैल्यू कितनी होगी, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। बल द्वारा जो कृत कार्य की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले पे आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बल की वैल्यू दी हुई है, कितना विस्थापन हुआ है, S की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू दी हुई है, सॉल्यूशन आसानी के साथ हो जाएगा। जैसे W इज इक्वल टू F कितना दिया हुआ है, 40 न्यूटन। S कितना दिया हुआ है आप लोगों का, कितना मीटर विस्थापित हो जाता है, 20 इंटू कॉस, कितनी वैल्यू दी गई है, 60 डिग्री दी गई है, ठीक है। W इज इक्वल टू 40 गुड़े में 20 गुड़े में कॉस 60 का मान 1/2 काट दीजिए यहाँ से, 20 को ये 10 बार में 40 से 10 में मल्टीप्लाई करिए, 400 जूल आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिल जाएंगे और न्यूमेरिकल भी आप लोगों का ऐसे ही सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे आपको सारी क्लासेस भी चल रही हैं और पेड क्लास भी वहां अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।